भारत अब विदेशों को रोबोट सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आपकी टीवी स्क्रीन पर जो रोबोट्स दिख रहे हैं ये सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं, भारत में बना करके उनको बेचे जा रहे हैं। इन रोबोट्स को बनाने के लिए जो टीम है उनमें से एक सार्थक हमारे साथ है। सार्थक, क्या रोबोट्स हैं ये और कैसे इनको विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है? सो ये रोबोट जो आप पीछे देख रहे हैं इसका नाम है डायनेमो 1000, क्योंकि ये 1000 kg तक वेट आराम से उठा के और सेफली उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। सो कोविड के बाद पूरी दुनिया में रोबोट की रिक्वायरमेंट में इंक्रीज़ हुआ है, और इंडिया में पहले कोई ऐसी कंपनी थी नहीं जो ये रोबोट्स बाहर प्रोवाइड कर पाती। एडवर्ब क्वालिटी रोबोट्स अब सेफ क्वालिटी के रोबोट्स अब पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर पा रही है। ये रोबोट्स स्मार्ट हैं, ये खुद का रास्ता खुद डिसाइड कर पाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह सेफेस्ट फास्टेस्ट स्पीड से पहुंच पाते हैं। किस तरह की कंपनीज़ जो आप फॉरेन में हैं वो किस तरह की कंपनीज़ इसको इनकी डिमांड कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं इंडिया से, वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? सो हमारा अभी मेन टारगेट वेयरहाउस, जो भी कंपनी को वेयरहाउस की रिक्वायरमेंट है, वेयरहाउस में सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत मूव होता है, एंड यहाँ पे लोग जो हैं वो 100 kg 50 kg उठा के उनको बैक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे जब हम मूव कर रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ, वहाँ पे ये रोबोट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी जिनके गुड्स हैं, एडिडास रख लीजिए, ऐसी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में, उनको रोबोट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। ये जैसा कि आपने बताया सार्थक, काफ़ी भारी वजन उठा रही है, तो इतना भारी वजन उठाने के लिए इस रोबोट का खुद का वजन भी बहुत ज़्यादा होगा, कितना सेफ है इस रोबोट्स का, क्या आप दिखा सकते हैं क्या रोबोट्स कितना सेफ है? सो हम पहले यहाँ पे हम सोचते भी नहीं है यहाँ पे एक रोबोट चल रहा है, और ये काफ़ी भारी रोबोट है, और चाहे सामान हो या ना हो, हमको कोई मेरे को कोई डर नहीं है इस रोबोट से। तो मैं पीछे मुड़ के मैं खड़ा हूँगा, इसको ये मेरे को देख रहा है, ये मेरे को पूरे टाइम हर सेकेंड मेरे को देख रहा है, और जितनी स्पीड से हम प्रोसेसिंग करते हैं उससे काफ़ी हाई स्पीड से ये प्रोसेस कर रहा है। तो आप ट्राई करेंगे तो भी आप इससे जाके एक्सीडेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये खुद रुक जाएगा अगर हम इसके रास्ते में आए तो? बिल्कुल, आप पास आएंगे तो भी रुक जाएगा। अब मैं दूर हटूंगा तभी ये चलना शुरू करेगा। सो सिर्फ ये नहीं रुक जाए, वो पहले से आपको देख के स्लो भी हो जाता है, तो इसलिए वो जो रोबोट है ये, तो इसके बारे में तो आपने बताया, ये सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, काफ़ी भारी सामान के लिए, वो जो रोबोट वहाँ दिख रहा है जो क्रेट्स रखे हुए हैं नीचे से ऊपर तक, वो किस काम आता है? सो हम हमेशा 2D में सोचते हैं। ये रोबोट अगर आप देखेंगे इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, ये 7 totes एक के ऊपर एक स्टोर कर पाता है, तो सिर्फ 2D में नहीं, हम 3D में भी ऑप्टिमाइजेशन करके स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं उस रोबोट के साथ। सो उस रोबोट का नाम है वेलोसी। सो ये काफ़ी हाई स्पीड से अलग अलग जगह पे सामान उठा के रख सकता है, तो जो यूजुअली ह्यूमन से रीचेबल नहीं होगा, या ये रोबोट उस हाइट से लिफ्ट के थ्रू सामान उठा के आपका फाइनली जो आपका ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ये ज़्यादातर जो रोबोट्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ के काम आने वाले हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हो जो भारी तादाद में गुड्स बना रही हो, सामान बना रही हो, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो सेग्रीगेशन ऑफ गुड्स है उसके लिए है, अलग अलग सामान पहुंचाने के लिए ये वाले रोबोट्स। हाँ, बट हम मेडिकल फील्ड में भी रोबोट्स का काफ़ी हाई यूजेज देख रहे हैं, स्पेशली कोरोना टाइम में। हमने हमारा प्रोडक्ट डेसीमीटर जो अगेन इंटरनेशनली गया था, जो यूवी रेज से कोरोना वायरस से सैनिटाइज करता था एरियाज़ को, तो वो हमने फिलीपींस, US एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने भेजा था। तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड नहीं है, रोबोटिक्स हर जगह जहाँ पे इंसान का जाना सेफ नहीं है वहाँ रोबोट को भेजना चाहिए हमको। एक आखिरी सवाल इन दोनों रोबोट से रिलेटेड है, ये दोनों जो चल रहे हैं ये किस टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं? लेमैन की भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि आखिर आप इनको चला कैसे रहे हैं, आखिर ये क्यों रुक जा रहा है, मैं इसके सामने जा रहा हूँ तो, और वो कैसे चल रहा है? सो ये टेक्नोलॉजी कहलाती है लिडार। सो इसमें लिडार और कैमरा, वो दोनों से कंटिन्यूसली आपको देख रहा है और वो प्रिडिक्ट कर रहा है आप कहाँ जा रहे होंगे, उस हिसाब से वो अपना पाथ भी अपडेट करता है और वो स्पीड स्लो करता है। तो लिडार टेक्नोलॉजी मेनली इसमें यूटिलाइज होती है, जिसमें वो एक लाइट फेंकता है बहुत हाई स्पीड पे और उसको वापस डिटेक्ट करता है। दोनों रोबोट से अभी ये ऐसे ही सो सेफ्टी के लिए हम लिडार का, बिकॉज वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड में, हम उसका यूज़ करते हैं। सो हम बिल्कुल सेफ्टी में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट जो होता है, कॉस्टली के लिए हम वो ही यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम मल्टीपल इक्विपमेंट रखते हैं सेफ्टी के लिए, बिकॉज सेफ्टी
फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। तो बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसका एग्जांपल दोबारा से आपको देखने को मिल रहा है। ये रोबोट मेरे पास आते ही रुक गया है और ये किसी भी तरीके से किसी भी आसपास खड़े इंसान को या किसी भी ऐसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे इसका कोई वास्ता नहीं है। इसको जो अपना काम करना है ये अपना रास्ता खुद बना रहा है, और इसके ऊपर जो आप ये साइकिल की जो चेन होती है वैसे जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो बना हुआ है, वो दरअसल सामान को आसानी से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है। इस पर से आसानी से सामान को स्लाइड करके एक तरफ सरका करके निकाला जा सकता है। ये माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। GNT के लिए परमेंद्र शर्मा के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।